हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रजत ट्रैवलॉग। तो आज हम जा रहे हैं नड्डी की ओर और हमारे दोस्त भी हैं हमारे साथ जो कि पीजी में रहते हैं, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहले भाई आप, और ये बहुत ही बर्फबारी यहाँ पे हो रही है नड्डी की जाती है ऊपर, आपको 1.5-2 फुट तक मिल सकती है जितनी रेंज हाई जाओगे उतना ज़्यादा बर्फ आपको। हमारे भाई साहब आप भी अपना इंट्रो दीजिए। माय नेम काकुरा राजपूत। ये काकू भाई हमारे पीजी वाले हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। हेलो तो आगे मिलाते हैं हम आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा से। भाई आपका नाम? भाई मेरा नाम भाई है चंबे से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? हम तो बहुत ज्यादा भाई। अच्छा ऊपर जाके हमें और भी मिल सकती है। ओके तो ये पीछे हमारे काकू भाई है और आपका नाम? टापू निकले भाई। टापू भाई और आगे साहिल भाई। बर्फबारी भी पड़ रही है बैक साइड पे और यहाँ पे सैलानी काफी दूर दूर से घूमने के लिए आए हुए हैं और हमारे सराउंडिंग में आप यहाँ पे बर्फबारी देख सकते हो रोड के किनारे वाली साइड और पूरा जाम हो गया है और आई थिंक बर्फबारी भी हो सकती है और हम बहुत ही लकीली है कि यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे आगे नड्डी लेक का व्यू और नड्डी लेक के बारे में भी बताते हैं। अभी हम जा रहे हैं नड्डी लेक से थोड़ा सा ऊपर। तो नड्डे बता दे आपको नड्डी लेक का जो सी लेवल से एल्टीट्यूड है मतलब कम से कम 2000 मीटर के करीब है और यहाँ पे बर्फ पड़ चुकी है। हमारे साथ ही यहाँ पे शॉर्टकट नड्डी की तरफ जा रहे हैं और आज हम एंजॉय करने वाले हैं लोगों को और ऊपर नड्डी व्यू पॉइंट पे आपसे मिलते हैं। और गाइज आज की खास बात यह है कि अभी जो लेक सूखी हुई थी वो पूरी भर चुकी है बर्फ के कारण, तो यहाँ पे हरा भरा एनवायरनमेंट जो है आप देख सकते हो वो भी हो गया और झील पानी से भर चुकी है, वो खास बात है इस फरवरी में। जनवरी के टाइम ये पूरी सूख चुकी थी। हेलो काकू भाई। हेलो कैसी लग रही है आपको? फिर कैसा है मौसम आपका? मौसम बहुत ठंडा है। तो आगे क्या करने वाले फिर हम? भाई हमारे चंबा से, ये हमारे भरमौर से भाई आगे टोपी वाले, ये देखिए आज बहुत ही लकी है हम कि हमें स्नो देखने को मिली। ये सडनली काकू भाई का प्लान था कि हमें बर्फ के बीच आज चलना ही चाहिए और अभी हम स्नो का एंजॉय भी ले रहे हैं तो ये काकू भाई के कारण यहाँ पे हम आ सके। तो चलते हैं आगे। आगे बहुत ज़्यादा व्यू ऑफ पॉइंट है जो कि आप यहाँ से देख भी सकते हो। इधर खड़े हो फोटो खींचा मैं आपका। और Yeah.
देख सकते हो आप यहाँ पे ताजा स्नो फॉल हो रही है और अभी हम नड्डी व्यू पॉइंट के करीब पहुँच गए और नड्डी व्यू पॉइंट मतलब जहाँ पे बस स्टैंड है वहाँ पे हम पहुँच गए। तो सराउंडिंग पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है और हमारे साथी भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ को। और ये देखिए यहाँ से नड्डी विलेज का व्यू कितना प्यारा है और यहाँ से बहुत ही सुंदर जो यहाँ से व्यू गाइस हम आपको दिखा रहे हैं सीधा कैमरा की तरफ से और यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं जा सकती। और यहाँ से गाइस आगे हो के कारण हम आपको यहाँ से कैमरा द्वारा दिख नहीं रहे, तो आगे जाके यहाँ से ये जो ट्रैक है ये गुना माता के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश ठाकुर और अभी हम आ गए नड्डी व्यू पॉइंट और आप देख रहे हैं रजत साहब, तो आपको बताएंगे नड्डी व्यू पॉइंट के बारे में। और यहाँ पे काफ़ी स्नो भी हुई है जो कि फैब का टाइम है और साथ ही यहाँ पे बर्फ़बारी होना हमारे लिए एक लकीली भी यहाँ पे कहीं ना कहीं है और हमारे कैमरा पर्सन यहाँ पे काकू वही है जिनके कारण हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। तो आगे हम आपको नड्डी व्यू पॉइंट और सनसेट पॉइंट बताएंगे। और गाइस ये जो आप मेरे नीचे देख रहे हैं ये है नड्डी विलेज और यहाँ से आगे गुना ट्रैक इंद्रहार पास और त्रियुंड के कुछ एरिया भी दिखते हैं जो अभी देख नहीं रहे हैं, तो आपको बाद में बताएंगे। आफ्टर फेब या मार्च के टाइम यहाँ पे मौसम थोड़ा सा खुला रह जाता है और अपार वाली हिल एरिया जो है यहाँ से क्लियरली दिख रहे हैं। अभी थोड़ा सा फोग और बर्फबारी के कारण जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है पहाड़ियों का दृश्य नहीं दिख पा रहा जो कि धौलाधार रेंजेस वगैरह यहाँ पे आगे दिखती थी। तो आगे आप बर्फ़ के नज़ारे ले सकते हो, बहुत ही सुंदर दृश्य जो है यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे सराउंडिंग पे आप गाँव का दृश्य देख रहे हो मेरे बैक साइड पे और ताज़ा ताज़ा यहाँ पे हाल ही में बर्फ़बारी हुई है और साथ में हम अपने सहयोगियों के साथ भी आए हुए हैं और काफ़ी ऐसा मस्ती करने वाले हैं यहाँ से। थोड़ा व्यू बताते हैं मुझे। तो आगे हमारे सैलानी यहाँ पे खेल कूद कर रहे हैं बर्फबारी के साथ, तो हमारे फ्रेंड भी आगे काफ़ी आगे जा चुके हैं, यहाँ चलते हैं आगे। बहुत सारी बर्फबारी हो गई है हमको और आगे हम आपको मेडिटेशन पॉइंट की तरफ ले जाएंगे। हेलो, तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से हो भाई, कहाँ से हो आप? नगरोटा बंगवा से आए हुए हैं, तो देखिए देख ही सकते हो स्नो टाइम में और फेबर मंथ जो है फेबरवरी है और 2022 वाला टाइम है। तो यहाँ पे तो योगा पॉइंट के करीब हम पहुँच गए हैं। ये दोस्तों यहाँ पे योगा पॉइंट का गेट है, यहाँ से आप मेडिटेशन करने के लिए भी जा सकते हो जो कि यहाँ पे अलग अलग सेशंस करवाए जाते हैं। तो ये नड्डी व्यू पॉइंट का जो आखिरी पॉइंट है यहाँ से आप सनराइज़ का व्यू भी देख सकते हो और इसके बैक वाली साइड जो है नड्डी व्यू पॉइंट पे सनसेट का व्यू है जहाँ से करेरी विलेज वगैरह सब कुछ दिख जाता है। तो अंदर हम चलते हैं, इसके अंदर चलते को। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं नड्डी व्यू पॉइंट के जो मेडिटेशन पॉइंट है वहाँ पे और सराउंडिंग पे बहुत सारी बर्फबारी और फैब का मंथ है फैब 2022 फैब के टाइम हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे बर्फबारी आप देख सकते हो चारों साइड से और यहाँ पे योगा मेडिटेशन पॉइंट भी है और बीच वाली बिल्डिंग है और यहाँ पे हमारे काकू भाई भी है वहाँ पे जो वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ के बीचों बीच। जैसा कि देखो हम भी इंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ के बीचों बीच और आप भी आइए और आप भी इंजॉय करिए, काफ़ी लकी टाइम होता है बर्फ़ का यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य और यहाँ से बहुत सारे व्यू भी है जो आप नज़ारे ले सकते हो और बर्फ़ हमें देखने को मिलती है। इससे बड़ी भागी की बात और इससे बड़ी डेस्टिनी की बात क्या हो सकती है, खासकर हिमाचल प्रदेश में वो भी धर्मशाला पॉइंट के नड्डी पॉइंट पे। तो आप भी यहाँ आ सकते हो धर्मशाला से आज या 9 किलोमीटर के ऊपर ये जो पॉइंट है यहाँ से, या तो फौसीगंज से भी आप यहाँ पे आ सकते हो बाया मैक्लोडगंज होके, तो आप यहाँ पे काफ़ी आराम से जिंदगी बिता सकते हो। बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, हिमाचल टूरिज्म के बहुत सारे होटल भी है वहाँ पे। हमारे काकू भाई वो देखिए बर्फ़ भी खा रहे हैं, देखो देखो और बहुत सारे होटल आपको यहाँ पे रुकने को मिल जाएंगे और हाई टैरिफ में भी मिल जाएंगे और लो बजट में भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। तो हम भी थोड़े से बर्फ़ के यहाँ पे गोले बना रहे हैं और थोड़े से अटैक करते हैं एक कैमरा पर्सन की तरह और एक काकू भाई की तरह। Thank you.
उसका जल स्तर बढ़ चुका है जो कि नहा के बराबर था और पानी भी भर चुका है। तो आपको बताते हैं डल लेक के बारे में और दिखाते भी है, तो चलिए करते हैं एंजॉय डल लेक में। तो डल लेक को आप देख सकते हो हमारी बैक वाली साइड पे, जो नीचे दिख रही है डल लेक यहाँ से, बहुत ही सुंदर व्यू है गाइस। और देवदार के पेड़ यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ा रहे हैं। और आगे चलिए चल करते हैं डल लेक। तो हमारे काकू भाई आगे जा रहे हैं, सकते हो आप बहुत ही स्पीड में आगे जा रहे हैं और बर्फ का काफी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए गाइस डल लेक का, तो आपको दिखाते हैं यहां से डल लेक का व्यूज, जो कि बर्फ से अभी ढक चुकी है पूरी और पानी भी डल लेक में आ गया है पूरा। तो यहाँ से आप डल लेक का व्यूज भी देख सकते हो और नज़ारे भी ले सकते हो। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच ही चुके हैं बर्फ के बीच जो है डल लेक में, जो कि धर्मशाला से 8 या 9 किलोमीटर के ऊपर करीब है। और आप यहाँ से बाया शेयरिंग टैक्सी में भी आ सकते हो और यहाँ पे बसेस वगैरह भी चलती रहती है और बसेस थोड़ा लिमिटेड है, तो आप शेयरिंग पे यहाँ पे टैक्सी लेके भी आ सकते हो। तो अभी बर्फबारी के बीच यहाँ पे झील जो है चार चांद लगा रही है प्रकृति को भी, और प्रकृति के नज़ारे भी आप यहाँ पे ले सकते हो। और मेरे बैक साइड पे आप देवदार के पेड़ भी देख सकते हो, देवदार के पेड़ जो है अभी बर्फ से ढक चुके हैं। और साथ ही में यहाँ पे एक दुर्गेश्वर महादेव का मंदिर है, जो सामने जो दिख रहा है वो दुर्गेश्वर महादेव का मंदिर है, तो आप मंदिर में दर्शन भी कर सकते हो और ख़ासकर इस मौसम और इस स्नो लाइन को काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों इसे डल लेक को जो है छोटी मणि महेश लेक के नाम से भी जाना जाता है, और इसके पीछे दंत कथा अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो है जो भी सैलानी जो है मणि महेश के लिए स्नान के लिए नहीं जा पाते, वो यहाँ पे स्नान करके जो है मणि महेश झील का स्नान की अनुभूति यहाँ पे से ही प्राप्त कर लेते हैं। तो इस विलेज का नाम जो एग्जैक्ट प्लेस है, इसका नाम तोतारानी है। तोतारानी के करीब आप बहुत सारे प्लेसेस है यहाँ पे, आप घूमने के लिए भी जा सकते हो। और यहाँ पे कुछ टाइम पहले बोटिंग भी होती थी, वो जो बोट दिख रही है, बट अभी किसी कारण या झील के जल स्तर कम होने के कारण यहाँ पे थोड़ा मेंटेनेंस का काम भी चलता रहता है, तो उसके कारण जो है बोटिंग यहाँ पे एलो नहीं है। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे बोटिंग पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसे कि जल्द से जल्द वैसे पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो सुचारू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी लेक का जो पानी है बिल्कुल ही आपको साफ भी दिख रहा होगा, और अभी बहुत ही साफ जो पानी है यहाँ पे मौजूद है, और भारी अभी ताज़ा बर्फबारी के कारण इस पानी को आप देख सकते हो। और इस पानी को अभी देखने से और बरसात के मौसम में देखने से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि बरसात के टाइम जो है ये लेक जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मडी वाटर हो जाता है, जो कि जिस कारण जो है यहाँ पे वोटिंग नहीं कर पाते पर्यटक वगैरह, उसी कारण यहाँ पे वोटिंग पे जो है बैन लगा दिया गया है। पर इसकी मेंटेनेंस वैसे जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को करना बेहद ही ज़रूरी है अगर देखा जाए पर्यटन की दृष्टि से। और झील के किनारे यहाँ पे फीस भी छोटी छोटी अलग अलग वैरायटी की कई सारी मछलियाँ भी यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। इस झील की तरफ जो है एक कदम सरकार को लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे पर्यटन अधिक से अधिक और वोटिंग जो है सुचारू रूप से यहाँ पे जारी की जा सके। तो दोस्तों आज कुल मिला के हमने बहुत ही इन्जॉय किया अपने सफ़र को। हम नड्डी गए थे, और नड्डी के अलावा हम यहाँ पे डल लेक पे आए, तो सडनली ये प्लान बन गया जो बर्फबारी के बीचों बीच बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी पड़ी हुई है लेक के चारों साइड, आप देख रहे हो मेरे बैक साइड पे।
आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। रजत ट्रैवलॉग के नाम से आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट भी कर सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो गाइस? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी नेचुरल प्लेस और नेचुरल ब्यूटी में। थैंक यू गाइस।